एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि एक फैशन वीडियो नहीं है बट इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को वो वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि म्यूज़िक किसको नहीं पसंद है। और जब मैंने म्यूज़िक का नाम लिया तो ये हिंट तो अच्छा है, समझ तो गए ही होंगे कि मैं क्या लेकर आई हूँ। पर आज की वीडियो टोटली एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। ये सोनी के S40R स्पीकर्स हैं, जिसमें 5.1 चैनल के स्पीकर्स हैं और जो 600 वॉट की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और तो और ये ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, जो आपके टीवी और मोबाइल फोन के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने काफ़ी सर्वे करने के बाद इन स्पीकर्स को परचेज किया है। मतलब काफ़ी सारे 2-3 स्पीकर्स को मैंने लिस्टिंग करी, उनको कंपेयर किया, बट जितनी अच्छी साउंड क्वालिटी मेरे को इन स्पीकर्स की लगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, वो मुझे और किसी की नहीं लगी। तो आज हम साथ में इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ये भाई इतना अच्छी पैकिंग है ना, एक तो खोलने का भी मन नहीं कर रहा है, पर खोलना तो पड़ेगा ही। इसमें टेप लगी हुई है। मेरा कटर कहाँ है? कटर दो। लो कटर। थैंक यू। सारी अच्छी चीजों की अनबॉक्सिंग मैं ही करती हूँ। करूँ? ये जान लग रही है सच में इसको खोलने पे। वाव, ये है इसका रिमोट, जो कि बहुत ही स्लीक है और बहुत ही स्टाइलिश है। नाइस, आई लाइक इट। जिसके साथ एक केबल भी मिली है, HDMI केबल। मतलब आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो और इस केबल के थ्रू भी अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई डोंट नो क्या वारंटी कार्ड है। ये इसका मैनुअल है, जो कि हम बाद में देख लेंगे। ओहो, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं इसको अकेले खोल पाऊंगी, अब आपकी जरूरत पड़ेगी मेरे को। विकास ने मेरी हेल्प कर दी है इसको खोलने में, वरना मैं तो इस पूरे बॉक्स को ओपन नहीं कर पाती। पर अभी भी हम साथ में ओपन करेंगे, तो ये पार्शियली ओपन है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये एक बार है, ये इसका सबवूफर है, और इसमें 2 सराउंड साउंड के लिए स्पीकर्स भी हैं साथ में, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है। तो अब हम सबसे पहले इसके साउंड बार को ओपन करेंगे। उसका कवर मैं निकाल के दिखाती हूँ। दिस इज समथिंग वेरी नाइस। मैं इसका कवर ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं एक डिफेंस वाइफ हूँ, तो मेरे ट्रांसफर्स तो ऑब्वियसली आएंगे, और इसलिए मुझे पैकिंग्स भी संभाल के रखनी पड़ती है। ओह वाओ, कितना सुंदर है ना। Amazing. इसके ये डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो सबसे बड़ी बात, जो एज अ गर्ल मैं सोचती हूँ कि ये सफाई करने में भी आसान रहेगी। नाइस। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका एम्पलीफायर, जो कि बहुत यूज़फुल है। ये कनेक्ट करता है 2 स्पीकर्स जो इसके साथ एड ऑन स्पीकर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करता है रियर स्पीकर्स जिनको हम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन है। ये है इसके सराउंड साउंड स्पीकर्स, जो कि अगेन मैं बता देती हूँ कि वायरलेस हैं, और इनका भी डिज़ाइन बहुत ही प्रिटी है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको यही परचेज करना चाहिए।
सीधा ऐसे। ओहो, इंस्टॉलेशन वाले भैया आ गए। 12 बजे तो मेरे पास डिलीवर हुए थे और 2 बजे ये इंस्टॉलेशन वाले भैया आ गए। लगता है मेरी वीडियो में मुझे ब्रेक तो लेना पड़ेगा, पर ठीक है, मैंने रिलायंस डिजिटल से ये परचेज किए थे। एक तो फायदा है कि उनकी सर्विसिंग बहुत फास्ट है। अब देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद उसका आउटपुट कैसा रहता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कई सारे साउंड बार्स चेक किए जो कि मतलब बहुत अच्छे भी थे, बट वो इतना ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं थे। और जो बहुत ही अच्छे साउंड बार्स हैं वो कुछ 50,000 से स्टार्ट हो रहे थे और 1 लाख तक तो जा ही रहे थे। फिर तो ऊपर जाने की तो कोई रेंज नहीं होती ना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा आउटपुट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड है इसकी, जिसमें आपको 600 वॉट की साउंड क्वालिटी आउटपुट मिल रहा है। और क्या था लगता है अब विकास ने भैया से इंस्टॉलेशन करवा लिया है। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और उसके बाद जब म्यूजिक चलेगा तो मैं डांस भी करूंगी। ये चलो मेरे साथ। ये है इसकी ब्यूटीफुल साउंड बार, जहाँ पे कॉर्नर पे सोनी मेंशनड है, बट आई गेस सेंटर में होता तो ज्यादा अच्छा लगता, और स्पेक्स तो साइड में भी हो सकते थे। और ये इसका रिमोट है, अच्छा है, क्यूट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एकदम से फ्रेंडली टाइप है ना, इजी टू कैरी। और ये इसका है सब वूफर, जिसका थ्रो इतना अच्छा है, आउटपुट जो कि मतलब बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे इसका डिजिटल डिस्प्ले, पास में आके दिखाओ यहाँ पे इसका डिजिटल डिस्प्ले। यहाँ पे भी टीवी इसलिए आ रहा है बिकॉज ये टीवी से कनेक्टेड है। बाकी ब्लूटूथ और कई सारे साउंड मोड्स भी इस पे आपको दिख जाएंगे बहुत इजीली। यानी कि इसमें यूएसबी पोर्ट है, इन केस अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है तो यू कैन इजीली कनेक्ट। ये बहुत सारे मोड्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। ये एक मैंने इसका यहाँ पे इंस्टॉल कराया है सराउंड साउंड स्पीकर। और जो दूसरा मैंने इंस्टॉल करवाया है वो है बेड के दूसरे साइड, बिकॉज हमें सराउंड इफेक्ट चाहिए। ये इसका दूसरा सराउंड साउंड स्पीकर है, और इसके साथ एक एम्पलीफायर कनेक्टेड है, जिसके लिए मतलब ये एम्पलीफायर को अलग से पावर चाहिए। और ये एम्पलीफायर सिर्फ इन दो स्पीकर्स के लिए ही है जो इनको सपोर्ट करेगा। सो जनरली हमारे ये जो सराउंड साउंड स्पीकर्स होते हैं ये डायरेक्टली सब वूफर से कनेक्टेड होते हैं, पर इनका प्लस पॉइंट ये था कि ये डायरेक्ट एम्पलीफायर से कनेक्टेड है और ये सब वूफर से नहीं कनेक्टेड है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जो इसको एक वायरलेस स्पीकर बनाते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये परचेज करे। ये जो तार दिख रहे हैं इनका क्या फायदा फिर? ओह, इनको तो मैं हाइड कर दूंगी यहाँ पे ऐसे पाइपिंग लगा के, और वो सब नट वट लगा के सब ठीक हो जाएगा ये। सो इट्स सॉर्टेड। ये देखिए दो दो इश्यू, कहाँ? वो देख। अरे तो इसी से रिकॉर्डिंग करवा लेते मेरी। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे स्पीकर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हमेशा फीडबैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक, उत्सुक ईगर। ईगर रहती हूँ राइट वर्ड। सो मुझे फीडबैक जरूर देना, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जो कि आप सब लोग नहीं कर रहे हो। फिर मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी, फिर मत बोलना प्राची वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आई विश विद प्राची। टाटा, बाय बाय।